किया, प्लीज हाय लिखें। कौन आ गया है? हाय लिखिए प्लीज। हाय नीलजा जी आ गए। हेलो नीलजा जी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नीलजा जी, कैसे हैं? और सुनाइए, बस क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। हाय कैसे हैं नीलजा जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल राइट टाइम पर मैंने क्लास स्टार्ट करी है, और अभी इसमें ऐड चल रहा है तो मुझे दिख नहीं रहा है कि मैं दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ। एक मिनट ऐसे चेक करके बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग निजा जी, गुड मॉर्निंग। और निजा जी मैंने ना दो तीन लोगों को भेजा है आपका चैनल का लिंक, कल ही भेजा है। क्या बना रहे हैं आज? हम चॉकलेट कुकीज बनाएंगे। बढ़िया, हाँ आज मैंने भेजा है, तो जैसे ही अगर वो लोग करेंगे तो मैं उनके चैनल का लिंक आपको शेयर कर दूंगी, तो फिर आप देख लेना, ठीक है? और एक मिनट के लिए मैंने चॉकलेट कुकीज के लिए करती हूँ।
अंशिका आ गए। हाय गुड मॉर्निंग अंशिका, थैंक यू सो मच आने के लिए। कैसे हो अंशिका? और कैसे चल रहा है ग्रुप वगैरह? मस्त चल रहा है। हम अपने उस वाले ग्रुप को मिस करने लगे पता है, क्योंकि जो हम लोग का जो मोनो वाला ग्रुप है ना, वो तो शाम को 6 बजे से चलता है, और जो ये वाला ग्रुप था ना एलवी वगैरह करने का, तो गप्पे हो जाती थी, लेकिन अब वो भी नहीं होती है। हाय गुड मॉर्निंग मैम। ओके हाँ नीजा जी, अंशिका जैसे नीजा जी रुकिएगा। अंशिका ये नीजा जी है ना, इनको प्लीज फ्रेंड बना लेना। इनके ना सब्सक्राइबर 800 से ऊपर हैं, और ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं यूट्यूब पे, तो यदि हो सके तो आप इनको फ्रेंड बना लो, इनके सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे हो जाएंगे। ठीक है। और रागनी आ गए। हाँ रागनी गुड मॉर्निंग, मैं वेट कर रही थी आप ही लोगों का, जल्दी जल्दी आ जाओ तो फिर मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। एकदम राइट राइट टाइम पे मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है, अब बताओ। अच्छा यंसिका ये है ना नीरजा जी है ना, इनको आप फ्रेंड बना लो, इनके सब्सक्राइबर थोड़े से कम हैं, जल्दी से पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो नीरजा जी आप अंशिका जी है ना उनको बना सकते हैं, मेरी कम्युनिटी है ना अंशिका को, मैं एक टीआर दे दो। चलो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं अब हम। वैसे
और यदि आपको ये आटे वाली बनानी है तो मैदे की जगह पे आप इसे आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं लेती हूँ मैदा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो ये देखिए ये वाली स्पून वगैरह आती है मार्केट से, आप ये वाली ले लेना। इसमें लिखा है 1 TSP, मतलब 1 टीस्पून, ठीक है। तो ये हम लेंगे हाफ टी स्पून, ठीक है। इस तरह से हाफ टी स्पून लेंगे हम। ये देखो हाफ हो गया, इसको डाल देते हैं। ये 1 टीस्पून कहलाता है, ये सबसे बड़ी चम्मच होती है मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद ये है, ये देखो ये है 1 TSP, मतलब 125 ml की, ठीक है। ये इसका फोर्थ भाग होता है, ये वाली चम्मच का ये फोर्थ भाग होता है, ठीक है। तो एक छोटी सी चम्मच हम डालेंगे सोडा, जितना हम बेकिंग पाउडर डालते हैं उसका फोर्थ भाग डालना रहता है हमके सोडा का, ठीक है। तो सोडा डाल दिया, बहुत थोड़ा सा लगता है। क्या करना है आपको, अंशिका जी को भी फ्रेंड करना है, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना है अंशिका जी के चैनल को भी। तो ये हो गया, हम इसे छान लेंगे, ठीक है। नीचे जी ये छान लिए, जिससे बेकिंग पाउडर और ये सोडा वगैरह अच्छे से मिल जाएगा। छान लिया, इसे रख देते साइड में। आद्या मोम ब्लॉग, हाय आद्या, कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग। ये देखिए ये सारी चीजें मिल गई, ठीक है। अब हम लेंगे एक अलग से बोल और उसमें डालेंगे घी को। ऑन है मैं आपकी मुँह से। ओके 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 अंशिका, थैंक यू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अब हम इसमें डाल देते हैं घी, 50 ग्राम घी है ये, ठीक है। अब इसमें डाल देते हैं 60 ग्राम शुगर। घर की पिसी हुई शक्कर है ये, और अब इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे, ये फ्लफी हो जाए, ठीक है। तो फेंटेंगे 1-2 मिनट के लिए, जिससे कि ये अच्छा सा क्रीमी और फ्लफी हो जाएगा। आप चाहें तो वनस्पति घी का भी बना सकते हैं, अमूल बटर का भी बना सकते हैं, मार्केट वाला घी का भी बना सकते हैं, गाय का घी, बच्चों को खिलाना है तो गाय के घी से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये देखो जैसे हमने शक्कर और घी को फेटा तो ये इस तरह से फ्लफी फ्लफी होने लगा। इसको फेटते जाएंगे 1-2 मिनट के लिए, अच्छे से फ्लफी हो जाना चाहिए। आप चाहे अगर आपके पास हैंड विस्कर है तो वो वाला मशीन वाला इलेक्ट्रिक बीटर है तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आज हैंड विस्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो फोक होता है ना, उससे आप फेंट लेना, ठीक है। हाय अंशिका, एक और अंशिका आ गए, कैसे हो, एक और अंशिका ऑलरेडी है, आप भी आए हो, थैंक यू सो मच, कैसे हो, गुड मॉर्निंग। LK, थैंक यू LK देने के लिए, थैंक यू सो मच। ये देखो क्रीमी क्रीमी हो गया है ना, ये देखो क्रीमी हो गया है, वाला पार्ट भी तैयार हो गया है। अब इस वाले में हम थोड़ा सा ये कोको पाउडर डाल देंगे, अभी मैंने कोको पाउडर नहीं छाना था, कोको पाउडर डाल के थोड़ा सा छान देंगे। आप जब हम मैदा छानते हैं ना तब कोको पाउडर भी छान लेना। ये तैयार हो गया, ठीक है। जब आप मैदा वाला सारी चीजें जब हम मैदा छान रहे हैं ना तभी आपको कोको पाउडर भी छान देना है, मैं भूल गई थी इसलिए नहीं छानना था। ये हो गया, ठीक है। अब हम इसको
जो हमने ये घी वगैरह फेंटा है इसमें ऐड करेंगे और आटा तैयार करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसमें हम कुछ ड्रॉप डालेंगे वेनिला एसेंस की। आपके पास जो भी वेनिला एसेंस हो आप उसे डाल देना, थोड़ा सा वेनिला एसेंस, बस इतना। हाँ, ये डल गया। अब हम ये जो हमारा सूखा मैदा है, कोका पाउडर, शुगर, बेकिंग पाउडर वाला मिक्सचर है, इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। इस तरह से हाथों का इस्तेमाल कर लेते हैं, हम हाथ से क्या पर अच्छे से पता चलता है कि हमारा डो किस तरह से तैयार हो रहा है, तो हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे। अब सेकेंड बार में पूरा डाल देंगे मैदा और इसका एक आटा तैयार करेंगे, ठीक है। अगर आपका आटा गूथे ना तो आपको थोड़ा बहुत दूध का इस्तेमाल करना है, नहीं अगर अगर आपका आटा अच्छे से बाइंडिंग होने लगे तो आप दूध का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। बस इसको अच्छी तरह से मिला देंगे हम। केक नहीं, केक नहीं बना रही मैं, बिस्किट बना रही हूँ अंशिका, बिस्किट बना रही हूँ, चॉकलेट वाली बिस्किट। तो ये देखो ये हमारा तैयार हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से देखो, थोड़ा थोड़ा सा अच्छी तरह से थोड़ा सा बाइंडिंग में कम है, तो हम इसमें थोड़ा से 1-2 स्पून डालेंगे मिल्क के। ये देखो, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, स्पून का इस्तेमाल करके डालना है, क्योंकि यदि आपने डायरेक्ट डाल दिया और फिर गीला हो गया तो आपकी जो बिस्किट बनेगी फिर वो अच्छे से नहीं बनेगी। बिस्किट, हाँ अंशिका हम बिस्किट बना रहे हैं। तो ये देखो मेरा जो डो है वो तकरीबन पूरा तैयार ही हो गया है, ये देखो पूरा अच्छी तरह से एक सा इकट्ठा हो गया है, और इसकी यदि हम हाथ पे इस तरह से बॉल लेते हैं तो ये बॉल बनना होना चाहिए, देखो ऐसे, ठीक है। और यदि आपको लगे देखो थोड़ा थोड़ा सा मेरे नीचे की तरफ से बिखरा हुआ है तो मैं 1 चम्मच और दूध डालती हूँ, बस इतना ही। और अब हम इसमें डाल देंगे ये चॉको चिप्स हैं, कुछ बचा देंगे जो हम ऊपर से लगाएंगे, आधे हम डाल देंगे, ठीक है, और उसको भी मिला देंगे। ये हो गया है, और इसके अब हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे से गोले तैयार कर लेंगे, जितनी बड़ी बिस्किट रखना है आपको आप उतनी कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये अगर हमारी इतनी छोटी है एक नींबू के साइज का, तो ये इतनी बड़ी बनेगी, आपको जितनी बड़ी बनाना है आप उतनी कर लीजिए, ठीक है। अब हम बिस्किट बनाएंगे, एक बेकिंग ट्रे ले लेते हैं, ये बेकिंग ट्रे, माइक्रोवेव में ये साथ में आती है, तो सारी बिस्किट बना के हम इसमें लगा देंगे। पहले सारे छोटे छोटे से गोले बना के रख लेते हैं ऐसे गोले, ठीक है, फिर लास्ट में चपटा कर लेंगे इस तरह से, जैसे एक नींबू का साइज होता है ना उस साइज के सारे गोले बना लेंगे। छोटी बड़ी आपको जितनी भी चाहिए है वैसे साइज की आप रख लीजिए,
जैसे चॉकलेट वाली बिस्किट तो बड़ी बड़ी थोड़ी अच्छी सी लगती है। ये हो गया पूरा, ठीक है, ये सारे गोले बन गए। अब जरा मैं हाथ धो लेती हूँ, उसके बाद हम इसको चपटा करेंगे, डिजाइन बनाएंगे। लेकिन इन सबको करने से पहले हम अपने माइक्रोवेव को प्रीहीट करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इन्हें बनाएंगे फिर हम अपने कुकीज को सीधे बेक करने के लिए रख देंगे, ठीक है। तो पहले मैं अपने हाथ जरा साफ कर लेती हूँ, उसके बाद हम माइक्रोवेव को प्रीहीट पे लगाएंगे। चलिए माइक्रोवेव को प्रीहीट पे लगाते हैं।
और चाहें अगर आपके पास इस तरह से नहीं है तो आप इस तरह से भी लगा के सीधे बेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपके पास फोक है तो आप फोक से भी डिजाइन बना सकते हैं। तो ये प्रेस कर दिया मैंने, बढ़िया सुंदर सुंदर सी डिजाइन बन गई हमारी। जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि बस अब ये हमारे जो माइक्रोवेव है प्रीहीट होने ही वाला है। बाय चांस यदि आपकी बिस्किट इस तरह से तैयार नहीं हो पाती हैं और माइक्रोवेव आपका प्रीहीट हो जाता है तो उसे छोड़ दीजिए प्रीहीट पे, ठीक है, उसको ऑफ नहीं करना है। वो जितनी डिग्री पे प्रीहीट हुआ है उसी डिग्री पे वो रुक जाएगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। ये भी डिजाइन बन गई, इस तरह से जल्दी जल्दी से बना लेते हैं हम। थैंक यू, कितना वाइटी हुआ है तुम्हारा इंची का, कब हो रहा है मोनो? अंदर भी हमारे चोको चिप्स रहेंगे और बाहर भी चोको चिप्स रहती हैं, बहुत यम्मी लगती हैं ये बिस्किट्स। बिस्किट का हो या कुकीज का हो सब एक ही बात है, लेकिन ये घर की जो बनी हुई रहती है ना बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, थोड़ा थोड़ा से गैप में इनको रखना है, एकदम सटा के नहीं रखना है क्योंकि ये फूलेंगी अभी, ठीक है। दो और बनानी है हमको, तो टोटल ये हमारी बन गई हैं 7-10 बन गई हैं, 10 बिस्किट तैयार हो चुकी है हमारी। मेरा मोनो हो गया अंशिका, अंशिका आपसे नहीं बोल रही मैं, आपका तो हो गया ना, आपसे नहीं अंशिका, ये है ना एक और अंशिका है ना, आप अंशिका फैमिली ब्लॉग हो और अंशिका कॉर्नर है ना, उनसे बोल रही थी मैं, उनका उनका भी मोनो नहीं हुआ है, उनका मोनो भी बस होने ही वाला है। उनका मोनो होने वाला, आपका हो गया, आपका कब हुआ है अंशिका जी, आपका कब हुआ है? आपका मोनो कब हो गया? क्योंकि आजकल पता ही नहीं रहता मुझे किसका हो गया किसका नहीं हुआ। ये सारे डिजाइन हो गए हमारे, ये देखो, ठीक है। अब हमें बेक करने के लिए रख देंगे माइक्रोवेव में 15-20 मिनट के लिए, ठीक है। तो माइक्रोवेव की तरफ करती हूँ कैमरा, कौन लाने गई है वो।
पर बंदर नहीं, बदलाओ मेरा नाम से ही। बताओ भाई। हरा हूँ लेकिन तोता नहीं, नकलची हूँ पर बंदर नहीं। रागनी ने बोला प्याज। हाँ पहले वाले का प्याज है। अब सेकंड का बताओ। हरा हूँ पर तोता नहीं, पर तोता नहीं, नकलची हूँ पर बंदर नहीं। बताओ कौन है वो? मुझे भी नहीं पता इसका आंसर। तो इसका तो पता था, अरे मैं भी भूल गई। वो भी भूल गई। और आज अंजना और वनिता जी कहाँ गायब हो गए क्लास से? किसी को जवाब आता है? अंशिका आपको आता है तो बताओ भाई। मेरा मोनू हो गया कल। अच्छा अंशिका आपका मोनू कल हो गया। अच्छा ठीक है, बस आज से वीडियो में आते हैं हम आपके। अंशिका कॉलर जी तो है लेकिन जवाब तो दो। आवाज गूंज रही होगी ना क्योंकि दरवाजा लगा के रखी हूँ, बाहर बहुत शोर हो रहा है। नहीं पता? अच्छा अंशिका को नहीं पता। अंशिका आंटी को नहीं पता तो किसको पता है? तुमको तो बहुत आती है पहेलियां। निर्जा जी को पता होगा या रागिनी को? अंशिका एक और, ये अंशिका फैमिली ब्लॉग है ना, इनको इनका भी मोनो हो गया है मम्मी। और रागिनी बोले पता है बट याद नहीं आ रहा है। मम्मी मैं आती हूँ। ओके। और शीला जी आए, गुड मॉर्निंग ज्योति जी, कैसे हो? तो कैसी हो शीला जी? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? क्लास में थोड़ा सा लेट हो गए आप। आज हम बना रहे हैं चोको चिप्स कुकीज, जैसे मैंने बेक करके बेक करने के लिए रख दिया है। आपसे कुछ मिस हो गया है या आप क्लास देख लोगे इसका वीडियो, या अभी मैं रेसिपी बताऊँ आप बता दो तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, ठीक है? पता है पर याद नहीं, मुझे तो याद ही नहीं है। मैंने तो क्रिकेट बोला था पर उन्होंने बोला क्रिकेट भी आंसर नहीं है। आप सुनाइए शीला जी कैसे हैं? मैं बहुत जल्दी चारकोल की रेसिपी लाने वाली हूँ, मतलब वीडियो डाल दूंगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं, अभी दो तीन लोग ने बोला है चारकोल की रेसिपी डालने के लिए। आपने भी बोला था चारकोल की भिंडी के बाद, तो मैंने कोई चारकोल की डाली ही नहीं, तो देखती हूँ आज चारकोल में कुछ बनाऊंगी मैं, फिर डाल दूंगी वीडियो। चलिए रिपीट कर देती हूँ सारी चीजें, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने लिया है घी। अभी एक मिनट रेसिपी। कांग्रेस डियर, हाँ अंशिका का हो गया है, कल ही हुआ है। तो अभी मैं रेसिपी पहले एक बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने लिया है 50 ग्राम घी, ठीक है? उसके बाद मैंने लिया है उसमें 60 ग्राम शक्कर, मैदा लिया है मैंने 75 ग्राम, एक आधा टीस्पून लिया है मैंने बेकिंग पाउडर, और जितना बेकिंग पाउडर लेते हैं उसका फोर्थ भाग लेते हैं हम बेकिंग सोडा का, ठीक है? इसके बाद मैंने लिया है कोको पाउडर, ठीक है? 30 ग्राम्स करीब कोको पाउडर था। कोको पाउडर देखो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि 30 डालो कि 20 डालो, शायद मैंने शायद 20 डाला था। कितना डालना है ऐसा कुछ नहीं रहता, यदि आपको जैसे कई बार कोको पाउडर कड़वाता है, ठीक है, तो आप चाहो तो 15 ग्राम से लेके 25, ठीक है, 30 तक ले सकते हो, 30 से ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है, 15 ग्राम से 30 तक ले सकते हो। यदि आपको डार्क अच्छा चॉकलेट वाला चाहिए तो आप 30 ग्राम तक भी ले सकते हो, अगर आपको थोड़ा कम चॉकलेटी फ्लेवर चाहिए तो आप 15 से 20 25 ऐसे करके भी ले सकते हो, ठीक है? और यदि आपके पास ग्रॉस ऊपर सही आंसर क्या? नहीं ग्रॉस ऊपर नहीं है, नहीं पहली है जी। हां वेट एक मिनट, ठीक है, पहले मैं आंसर दे देती हूं, सॉरी मैं रेसिपी बता देती हूँ, ठीक है? तो आप लोग देख लेना कोको पाउडर अपने हिसाब से डालना, और यदि किसी के पास वेट मशीन नहीं है, मैंने ग्राम से दिखाया, ठीक है? तो 2 चम्मच कोको पाउडर होता है 10 ग्राम, ठीक है, 3 चम्मच होता है 15 ग्राम, ठीक है, चम्मच से नाप के डाल देना, ठीक है? स्पून कैसे भरोगे? स्पून को फ्लैट कर देना, ये नहीं कि एकदम पूरा स्पून भर दिया, ठीक है? जैसे ये स्पून होती है
ठीक है। इसमें अगर हम नापते हैं ना तो 5 ग्राम कोको पाउडर आ जाता है इससे, या जो घर पे आपके पास ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं ना उस पे 5 ग्राम आ जाता है, लेकिन उसको फ्लैट कर देना, ठीक है। तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं, इस वाले बिस्किट में आप 5 चम्मच से 6-7 चम्मच करीब कोको पाउडर डाल सकते हो, ठीक है। कोको पाउडर का मेजरमेंट ऊपर नीचे जाता है, बिस्किट में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जो चॉको चिप्स डाली है वो भी आप अपने हिसाब से डाल लीजिए कि कितना आपको चॉको चिप्स चाहिए। यदि आपको ढेर सारी चॉको चिप्स चाहिए तो इसमें आप और भी ज्यादा ऐड कर सकते हैं। बस आपको मेजरमेंट का याद रखना है घी शक्कर और मैदे का, ठीक है। घी शक्कर और मैदा आपका 3 बिल्कुल ठीक होने चाहिए, तब आपकी बिस्किट अच्छी बनेगी। और यदि आपके पास इस चीज का भी मेजरमेंट नहीं है तो सिर्फ घी और शक्कर को अच्छे से जितना भी लेना, जैसे आधा कटोरी आपने घी लिया, आधा कटोरी शक्कर लिया, दोनों को फेंट लिया, ठीक है, समझ के आ गया। उसके बाद जब आप मैदा डालोगे और कोको पाउडर डालोगे तो उतना डालना कि वो थोड़ा सा बाइंडिंग हो जाए, इतना नहीं कि एकदम वो सूखा सूखा सा रह जाए, ठीक है। थोड़ा सा बाइंड होने लगे, अच्छा सा बाइंड, यदि हमें उसका आटा गूंथेंगे तो 2 से 3 चम्मच हमें दूध लगेगा, बस इससे ज्यादा दूध ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो किसी के पास अगर वेट मशीन नहीं है तो सिंपल से आप घी और शक्कर को जब मथेंगे तो घी जैसे कटोरी से नापो, आधा कटोरी घी ले लो, आधा कटोरी शक्कर ले लो, दोनों को फेंट लो, फिर उसमें आप मैदा डालो, उसके बाद आप कोको पाउडर डालो, और जब उसको आप बाइंड करोगे तो बाइंड होना चाहिए, ठीक है, बिखरा बिखरा नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास वेट मशीन नहीं है तो आप इस तरह से भी रेसिपी फॉलो कर सकते हो। ओके थैंक, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो वेट मशीन है लेकिन सब लोगों के पास नहीं होती, तो आप कटोरी से नाप सकते हो, कप से नाप सकते हो, किसी भी चीज से नाप सकते हो, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि बाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो अब बोल दीजिए भाई आपकी पहेली। हाँ ना, बस मेरा तो हम तो समझते हैं ज्यादा।
पहली बार ऐसे कर चुकी मगर मच्छ चार है रानी एक है राजा उनके
अपने काम में उनका ही साझा। चार है रानी, एक है राजा, उनके काम में अपना साझा। उनके काम में अपना साझा, उसका क्या मतलब हुआ? सुनाई देती। नहीं 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 उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। तो आपको नहीं, पता है पर हर काम में उनका अपना साझा, ठीक है। आपको पता है पर आप नहीं बताती हो मुझे। नहीं मुझे नहीं पता, सच में नहीं, इसका आंसर नहीं पता। हाँ उसका पता था जो, हाँ इसके पहले वाला, उसमें तुम थी नहीं, इसका आंसर नहीं पता मुझे। पता होता तो बता देती ना, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। हाँ सिस्को पता है। नहीं पता हमको, हमें नहीं पता है। नहीं पता, नहीं पता सारे आंसर हमें कहाँ से, हम इतने होशियार नहीं है। कुकिंग में बस आती है हमको, कुकिंग करना सिखा देते हैं, पहेली नहीं आती हमको। दूसरे नंबर की पत्तियाँ ना वो लोग हैं स्मार्ट, हमको नहीं आती। बस 5 मिनट और हमारी कुकीज तैयार हो जाएगी, ठीक है। 5 मिनट ऐसे ही, मतलब टोटल 20 मिनट्स लगेंगे आपको अपनी कुकीज में, ठीक है। और ये 10 कुकीज हैं, उसमें हमारी जो ट्रे है वो अच्छी तरह से भर चुकी है। और याद रखना कुकीज में गैप छोड़ देना, टच नहीं होनी चाहिए एक दूसरे को कुकीज, नहीं तो फिर वो क्या होता है, फिर उसको फूलने की जगह नहीं बचती, ठीक है। तो गैप होना चाहिए, और हमारा जो ट्रे है उसमें 10 आ गई है। एक दो और अगर आप थोड़ा एडजस्ट करोगे ना तो एक दो और आ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं आने वाली। ओके दीदी आंसर मुझे नहीं आता। मुझे आंसर नहीं आता, सोचती हूँ क्या है। एक है राजा, नहीं चार है रानी एक है राजा। चार है रानी एक है राजा, और काम में उनका अपना साझा। हिंट तो वो पहले दीदी आंसर, जीवित नहीं है प्राणी, जीवित नहीं है प्राणी, घोड़ो क्या बोलते हैं, रथ, रथ, रथ नहीं बैल से बोलने के मतलब रथ होगा ना, गाड़ी नहीं, बैलगाड़ी नहीं। हमेशा बैल से ही करती हूँ। देखो मुझे भी नहीं पता रथ है नहीं है, बैलगाड़ी भी नहीं है, बेड है? बेड हुई है, इनको अभी नहीं उठाना है क्योंकि अभी ये
सॉफ्ट हैं, जब ये ठंडी हो जाएंगी तब आप किसी भी एयरटाइट डिब्बे में भर के इनको रख सकते हैं। तो सबसे पहले खाना खाएंगे। ये देखो, अच्छे पहली कुत्ते दे दो। इसका पहली कुत्ता आता है ना? देखो माँ, आपको आता है ना इस पहली कुत्ता? तो फिर ना आप उन्हें बता देना हम जा रहे हैं। ओके, अच्छे बता भी देते हो एक बार। इधर तैयार। एक मैं आपको ऐसे निकाल के देखा कोशिश करती हूँ, और ये अभी गर्म है, ठीक है? ये देखो, अभी ये टूटने का अधिकतर चांस रहता है इसको, फिर भी एक पलट के दिखा देती हूँ। ये देखो, हो गई हमारी कुकीज, ठीक है? धीरे धीरे एक प्लेट में भी निकालने की कोशिश कर लेती हूँ, जितनी निकल आती है, ठीक है? क्योंकि गर्म है ना, थोड़े आराम आराम से निकालना पड़ेगा इन्हें। उसे हाथ से रखना पड़ेगा, इतना गर्म है बेटा, बहुत गर्म है। चलो अच्छा, एक प्लेट में निकाल के निकाल ही लेती हूँ मैं। जब ये ठंडी हो जाएंगी तभी आपको इसे अपने डिब्बे में रखना है, ठीक है? क्योंकि अभी ये गर्म है। तीन तो निकल गए, बाकी मैं निकाल धीरे धीरे, ठीक है? ये देखो, ये बढ़िया हमारी जो कुकीज हैं तैयार हो गई है। ऊपर से भी चॉको चिप्स हैं और अंदर भी चॉको चिप्स है। यम्मी डिलीशियस, बताइए कितनी हार्ड पहेली मत पूछो, चॉकलेट दे देंगे। हमें डेयरी मिल्क चाहिए, हमारी माँ हमें दान बना देती चॉकलेट, हमें नहीं चाहिए चॉकलेट। ये लो, हमारे घर में तो मिलती है चॉकलेट, हमें नहीं चाहिए चॉकलेट। नहीं चाहिए भैया उनको, हमारे घर में बनता रहता है चॉकलेट। ये हो गई हमारी चॉको चिप्स कुकीज तैयार, ठीक है? चलो भाई, क्लास हो गई है। पहेली का उत्तर दे। पहेली का उत्तर है अवसर, मौका। यस, ठीक है? चांस, जो कि आपके जीवन में पहली बार आता है। तो क्या चाचे तो क्या चाहिए? पहेली का जवाब चाहिए था उनको, तो पहेली का जवाब है हमें चाहिए डेयरी मिल्क चॉकलेट। अच्छा, डेयरी मिल्क चॉकलेट। टाइम, ये कुकीज हो गए हैं 20 मिनट्स में, ठीक है? टाइम, समय, हाँ समय नहीं, मौका, ठीक है? चांस रहता है हमारे जीवन में, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई चांस रहता है, जो सिर्फ एक ही बार आता है, उसको यदि हमने ठुकरा दिया तो फिर वो चांस चला जाता है, कभी नहीं आता। फिर हम भूल गए, चलिए कुकीज हो गई हमारी बढ़िया से, घर पे बना लेना। तो चलें अब हम क्लास ऑफ करें, सब लोग बाय बाय लिख दो। शीला जी बोल रहे ओके भेज देंगे। ओके शीला जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो भाई, कुकीज तैयार हो गए हैं, मुझे कुकीज खाना है। हाँ खा लो, खा लीजिए भाई, आप ही लोगों के लिए हैं, ठीक है? बहुत अच्छी है, मतलब ये ठंडी हो जाएंगी तब आप इनको खाइएगा, गर्म में ये थोड़ी सॉफ्ट ही रहेंगी। जब ठंडी हो जाए तब एंजॉय करो, बढ़िया एयर टाइट डिब्बे में रखो, महीने भर भी कुछ नहीं होता इनको। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय शीला जी, बाय, टेक केयर, बाय। देखते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे को, वेडनेसडे को ही क्लास होगी। सिका बोले बाय, और बाय सिका, बाय शीला जी, बाय। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वेडनेसडे को। बाय सिका, बाय, थैंक यू सो मच, बाय शीला जी। और जो भी हैं वो भी सबको बाय लिखो, क्लास को ऑफ करते हैं। बाय बाय। सब लोग बाय लिखो। बाय 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 बाय।
चलो क्लास ऑफ करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।